हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग अलविश यादव को हेट देना स्टार्ट कर दिए, और भी बिना कुछ सोचे समझे। बेसिकली गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, फुकरा इंसान बिग बॉस के घर के बाद से सीधा हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए थे, एंड वहाँ पे उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए कई सारे लोग गए थे। मतलब कि उनके जितने फ्रेंड्स थे और बिग बॉस के घर के अंदर जितने कंटेस्टेंट थे, लगभग सारे लोग फुकरा इंसान से मिलने को हॉस्पिटल को गए थे। तो अभी यहाँ पे अलविश यादव को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठाना स्टार्ट कर दिए हैं कि अलविश यादव भाईचारा करते रहे, बट फुकरा इंसान से मिलने के लिए एक बार भी हॉस्पिटल को नहीं गए। तो इसी चीज को क्लियर करते हुए अलविश यादव ने अभी इंस्टा में एक स्टोरी शेयर करी, जहाँ पर उन्होंने सारी बातें को क्लियर कर दी है। तो आप खुद देखिए उन्होंने इसके रिगार्डिंग क्या कहा। गाइस, सोशल मीडिया पे एक चीज काफी फैल रही है, एक चीज नहीं बल्कि काफी चीजें फैल रही हैं कि एक तो एक दूसरे को नीचा, कहीं मेरी बुराई, कहीं अभिषेक की बुराई, क्या भाईचारा खत्म, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और कई लोग एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए। भाई तुमने देखा होगा, मैं इस चार दीवारी में बंद हूँ, अपनी मर्जी से तो मैं बंद रहूंगा नहीं, क्योंकि जहां से मैं आया हूँ वो वहां से बंद, और यहाँ भी बंद ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। बिग बॉस वालों ने ही मुझे इधर रखा हुआ है, और खास बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैंने अभी फोन पे उससे बात भी करी, उसने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, और उस मैं आज जाने वाला था क्योंकि आज मेरे को कई मीटिंग्स थी सिक्योरिटी के साथ, बहुत सारी चीज़ें मुझे आज करनी थी, बट उनने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं कहा डायरेक्ट वहीं पे मिलूंगा मैं आके, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, तो उस चीज को प्लीज नेगेटिवली ना लिया जाए, और किसी के प्रति कोई हेट ना फैलाई जाए। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।